Hello everyone. So in this video, we're going to discuss a next part of time and distance, which is based on a relative speed. So relative speed kya hota hai? Ye hum samajhte hain. Relative speed. Jaise ki naam mein likha hua hai, relative ka matlab hai with respect to someone. So relative speed ka matlab hota hai ki jab aap apni speed nikal rahe ho with respect to someone aur wo someone jo hai wo khud move kar raha hai. Right? That is known as relative speed. मतलब ये सपोज मान लेते हैं कि आप एक बस में बैठे हो और बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आर की है और आपका दोस्त भी एक बाइक पे चल रहा है आपके साथ साथ में बस के पैरेलल, उसकी स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आर की है. मतलब विद रिस्पेक्ट टू बस उस बाइक की स्पीड जीरो है, नहीं बोल सकते हैं उस बाइक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस जीरो है. राइट, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो है बिकॉज दोनों की स्पीड बराबर है. लेकिन अगर बस की स्पीड बढ़ जाती है तो आप कह सकते हैं बस जो है वो आगे निकल सकती है ना, बिकॉज कंपेयर टू बाइक थोड़ा एडवांटेज है इस बार बस को, ये नहीं बस आगे निकल जाएगी. तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है, रिलेटिव स्पीड होती क्या है वो समझते हैं लॉजिकली. पहले मैं बताऊंगा आपको पिक्चर के हिसाब से बना के कि पिक्टोरियल में हम क्या समझ सकते हैं. ठीक है, वो हम समझते हैं. सपोज मान लेते हैं एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बाहर दो दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे हैं और ए और बी दो लोग हैं और सडनली कुछ देर बाद जो है ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है. अगर ए 5 मीटर की स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेकेंड के बाद जो ए है, बिल्डिंग तो आपकी फिक्स है, बिल्डिंग कहीं नहीं जा रही. ठीक है, इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अपन नाप रहे हैं. सो 5 मीटर की स्पीड है, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो 1 सेकेंड के बाद कहाँ आ जाएगा, 5 मीटर के पॉइंट पे आ जाएगा. 2 सेकेंड के बाद जो ए होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो 10 मीटर के पॉइंट पे आ जाएगा. और 3 सेकेंड के बाद जो ए होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो 15 मीटर के पॉइंट पे आ जाएगा. वैसे अगर हम बात करें 1 और सेकेंड की बात तो फिर जो है ए कहाँ पे आ जाएगा, 20 मीटर के पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. सो ए जो है वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में 5 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर, उसके बाद 20 मीटर, एंड सो ऑन गैप बढ़ता जाएगा. राइट, तो लेकिन अगर मान लेते हैं सपोज ए ने जो है वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में तो मूव कर ही रहा था और उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर. मतलब ये बोल सकते हैं ए की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है. लेकिन अगर उसी की स्पीड में बी के रिस्पेक्ट में नापता हूँ और बी खुद स्टेशनरी है उसी पॉइंट पर है तो भी सेम ही स्पीड होगी, क्योंकि बी अगर बिल्डिंग पे ही खड़ा हुआ है और ए ही मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो बिल्डिंग से डिस्टेंस नापो या बी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस नापो, फर्क क्या पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. लेकिन इमेजिन करो बी खुद चलता है और बी का स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, तो कह सकते हैं अब की बार जो बी होगा वो बी भी 3 मीटर पे आ जाएगा. राइट, 2 सेकेंड में जो बी होगा वो 6 मीटर पे आ जाएगा, 3 सेकेंड के बाद बी कहाँ पे होगा, बी 9 मीटर पे होगा, और 4 सेकेंड के बाद बी कहाँ पे होगा, बी होगा 12 मीटर पे, ऐसा बोल सकते हैं. सो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर बी की बात करेंगे तो बी 1 सेकेंड में 3 मीटर चलता है, 2 सेकेंड में 6 मीटर चलेगा, 3 सेकेंड में 9 मीटर चलेगा और 4 सेकेंड में 12 मीटर चलेगा. अब इनके बीच का आपस का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का आपस का डिस्टेंस जो है वो अब 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर था, अब ये डिस्टेंस 4 मीटर हो गया है, अब ये डिस्टेंस 6 मीटर हो गया है. राइट, और अब ये डिस्टेंस कितना हो गया है, अब ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया है, क्योंकि अभी बी कहाँ पे था, बी 12 मीटर पे था. तो कह सकते हैं अब इनका जो गैप है वो 2 मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में आपस में बढ़ रहा है. बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में वो अपनी अपनी स्पीड से दूर जा रहे हैं, यानी ए बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में 5 मीटर दूर जा रहा है, बी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में 3 मीटर दूर जा रहा है. लेकिन आपस की अगर बात की जाए तो आपस का डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ रहा है, दैट इज रिलेटिव स्पीड. और दिख रहा है अगर डायरेक्शन सेम था, ये इधर गया 5 और ये इधर गया 3, तो गैप बचा कितना, गैप बचा 2 मीटर, इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड इनका स्पीड बन जाएगा. राइट, अब अगर मान लेते हैं दो लोग हैं जो अपोजिट तरफ जा रहे होते हैं, अपोजिट जा रहे हैं मतलब अल्टीमेटली ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ पे खड़े थे और ए इस तरफ जा रहा है और बी जो है वो इस तरफ जा रहा है. ए का स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड दिया है 3 मीटर पर सेकेंड. सो ए जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा यानी 5 मीटर पे, फिर कहाँ आ जाएगा, 2 सेकेंड में 10 मीटर पे आ जाएगा. लेकिन अगर बी की बात करें तो बी पहले कहाँ पे आ जाएगा, बी आ जाएगा 3 मीटर पे, उसके बाद कहाँ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 6 मीटर पे. तो 1 सेकेंड में कितना गैप बनेगा, 1 सेकेंड में इनका गैप बनेगा 8 मीटर का. 2 सेकेंड में कितना गैप बनेगा, 2 सेकेंड में इधर 10 और इधर 6, दैट मीन्स 16 मीटर बन गया. तो पहले 8 था और अब 16 हो गया, फिर 24 हो जाएगा, तो कह सकते हैं इनका गैप जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है. दैट मीन्स अब इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड क्या है वो कितनी हो गई, हो गई 8 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड. 8 मीटर पर सेकेंड कैसे आया,
डायरेक्शन अपोजिट थी प्लस कर दिया, राइट right? और जब डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये बेसिक लॉजिक हुआ रिलेटिव स्पीड निकालने का, राइट right? अब इसका यूज क्या आएगा वो समझते हैं। देखिए अभी सपोज मान लेते हैं ये नॉर्मली काम आएगा आपको टाइम टू कैच या टाइम टू मीट निकालने के लिए। तो कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है कि आप किसी के पीछे लगे हो, है ना, पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ लगा रही है, तो बताइए टाइम टू कैच क्या होगा। या दो ट्रेनें हैं, दो लोग हैं अपोजिट तरफ से आ रहे हैं, तो कब मिलेंगे, टाइम टू कैच और टाइम टू मीट। ये निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप एक काम कीजिएगा रिलेटिव डिस्टेंस जो है उससे डिवाइड कीजिएगा रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि इस बार दोनों ही जो लोग हैं उनका रिलेटिव स्पीड काम आएगा, क्योंकि जो दोनों हैं वो अपनी इंडिविजुअल स्पीड से नहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, वो उनकी रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। एग्जांपल समझते हैं, सपोज मान लेते हैं घर दिया है और एक घर से यहाँ ऐसा बोला हुआ है कि एक पुलिस स्टेशन था और एक पुलिस स्टेशन से एक चोर जो है भाग चुका है, ठीक है, और चोर जो है वो 10 किलोमीटर दूर जा चुका है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और चोर का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला बताइए कितनी देर में कैच कर लेंगे आप, पुलिस कितनी देर में कैच कर लेगी। तो लॉजिकली तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकली कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है और ये डिस्टेंस कौन सी स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। भैया ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, जब दोनों का मूवमेंट साथ में आता है तो हम कंसिडर करते हैं रिलेटिव स्पीड। और इस बार रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे माइनस, बिकॉज डायरेक्शन सेम था, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा 2 आवर, 2 घंटे में कैच कर लेंगे। तो 2 आवर्स में कैच कर लेंगे। क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि मान लेते हैं ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन से पुलिस आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो चोर था वो चोर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जब पुलिस ने चलना स्टार्ट किया तो 2 घंटे में कैच करेगी, मतलब इस पॉइंट से पुलिस कहाँ पहुंच चुकी होगी, पुलिस पहुंच चुकी होगी इस पॉइंट से 30 किलोमीटर के मार्क पे, और 2 घंटे में ये कहाँ पहुंचेगा, वो इधर वाले पॉइंट से कहाँ पहुंचेगा, वो इधर वाले पॉइंट से 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। दैट मीन वो पॉइंट सेम ही होगा ना, मतलब 2 घंटे में कैच कर लेंगे आप इसको, राइट। तो ऐसे निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टू कैच और टाइम टू मीट का रिलेटिव डिस्टेंस, दो लोगों के बीच में क्या डिस्टेंस है, डिवाइड बाय दो लोगों के बीच में क्या स्पीड है। या यूं मान लो कि अब दोनों का डिस्टेंस उनकी रिलेटिव स्पीड के हिसाब से निकाला जाएगा, वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब अब कोई भी डिस्टेंस कवर करना है तो वो अपनी इंडिविजुअल स्पीड से ट्रैवल नहीं करेंगे, वो उनकी रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला है कि 150 मीटर का डिस्टेंस था और ए जो है वो इस पॉइंट से ट्रैवल कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बी जो है वो इधर ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। बोला बताइए ये लोग कब मिलने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए ये 3 चलेगा, लेट्स से ये ए है तो ए 3 चलेगा तो बी 2 मीटर चलेगा, तो दोनों ने 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कम कर दिया, दोनों ने मिलके 5 सेकेंड खत्म कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो 150 सेकेंड खत्म करने के लिए उन्हें कितने लगने वाले हैं, 30 सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस 150 मीटर था और रिलेटिव स्पीड इस बार करनी पड़ेगी प्लस, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट था, तो आ जाएगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कैच कर लेंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है कि x प्लस वाई कब करना है, जो डायरेक्शन अपोजिट होगी, और x माइनस वाई कब करना है, डायरेक्शन सेम होगी। और टाइम टू कैच कैसे निकालेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये लिखा है रणवीर स्टार्ट फ्रॉम पुणे टूवर्ड्स मुंबई विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM। सुबह 6 बजे रणवीर स्टार्ट करता है पुणे से ट्रेवल करने के लिए टू सरप्राइज हिज फ्रेंड दीपिका, ओहो, ऑल्सो ट्राइंग टू मीट हिम एंड शी ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टूवर्ड पुणे। दीपिका और रणवीर के बारे में बात हो रही है, सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रणवीर जो है वो स्टार्ट करता है पुणे से, राइट, ऐसे ही बोला हुआ है। और दीपिका जो है, दीपिका ऑल्सो ट्राइंग टू मीट हिम एंड शी ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टूवर्ड्स पुणे एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। रणवीर भाई साहब आ रहे हैं 40 किलोमीटर की स्पीड से और दीपिका आ रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से, ऐसा बोला हुआ है।
कब दोनों मिलेंगे अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर का, और रनवे स्टार्ट करता है 6 बजे एंड दीपिका भी स्टार्ट करती है 6 बजे, यहाँ दीपिका होना चाहिए था, एंड दीपिका स्टार्ट एट 6 है, दोनों ही 6 बजे स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोनों का टाइम ऑफ स्टार्ट सेम है, दोनों का टाइम ऑफ स्टार्ट सेम है, इसका मतलब ये रूल लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस दोनों का कितना हो गया 200 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 100, है ना। कि कैसे आ गया 100, क्योंकि 60 प्लस 40 तो आ जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे में कैच कर लेंगे। सो अगर ये 6 AM पे स्टार्ट किए थे तो 8 बजे इनका मीटिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 8 AM। वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, चेंज करते हैं। फिर बोला हुआ है कि रणवीर स्टार्ट फ्रॉम पुणे टूवर्ड मुंबई एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट 7 AM टू सरप्राइज हिज फ्रेंड दीपिका वाज आल्सो ट्राइंग टू मीट हिम एंड शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एट 6 AM। ठीक है, इसका मतलब है एक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और एक जो है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा ध्यान से देखिएगा। सो मान लेते हैं ये आपको दिया है पुणे और ये दिया है मुंबई। सो रणवीर स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, कितने बजे वो स्टार्ट करता है 7 AM पे, और दीपिका ने स्टार्ट कब किया, दीपिका स्टार्ट कर रही है 6 AM पे, राइट। रणवीर का स्पीड दिया हुआ है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, और दीपिका का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर का। बोला बताइए कैच कब करेंगे। अब पहली बात तो यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि टाइम ऑफ स्टार्ट सेम है नहीं। अगर टाइम ऑफ स्टार्ट सेम नहीं है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई 200 डिवाइड बाय 100 नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ऑफ स्टार्ट सेम है ही नहीं। तो पहले टाइम ऑफ स्टार्ट सेम करना पड़ेगा। तो एडवांटेज किसके पास है, कौन पहले निकल रहा है, दीपिका निकल रही है पहले, और वो निकल रही है 6 बजे। तो 6 बजे से 7 बजे, बिकॉज ये स्टार्ट करता है 7 बजे, तो 1 घंटे का गैप था। उस 1 घंटे के अंदर दीपिका ने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, दीपिका की स्पीड 60 की है, यानी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब दीपिका यहाँ से स्टार्ट कर रही है और रणवीर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है 140 किलोमीटर का, और अब ये 140 किलोमीटर ट्रैवल हो करना है आपको मिलके, क्योंकि ये 60 किलोमीटर दीपिका ने अकेले ट्रैवल किया क्योंकि वो पहले निकल चुकी थी, और अब ये 140 किलोमीटर जो है ये दोनों मिलके ट्रैवल कर रहे हैं। तो 140 किलोमीटर चलना है, और उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो करना पड़ेगा हमें प्लस। तो कितना आ जाएगा, दिस विल गिव यू 1.4 आवर, मतलब 1 आवर, एंड 0.4 का मतलब होता है 24 मिनट्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज 0.4 × 60 का मतलब होगा 24 मिनट, 40 मिनट नहीं होगा ध्यान रखना, क्योंकि 0.5 का मतलब 50 मिनट नहीं होता है, 0.5 का मतलब 30 मिनट होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आवर 24 मिनट। सो 7 बजे के बाद 1 आवर 24 मिनट, मतलब 8:24 पे इनका क्रॉसिंग होने वाला है। तो क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होगा, टाइम ऑफ स्टार्ट हैज टू बी सेम। फिर अगर आगे बात करें, नेक्स्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है, रणवीर को कर दिया है 6 बजे और दीपिका को कर दिया है 7 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लॉजिक बिल्कुल सेम है कि रणवीर पहले स्टार्ट कर रहा है और दीपिका बाद में स्टार्ट कर रही है। सो इस बार एडवांटेज किसके पास होगा, रणवीर के पास। सो रणवीर का स्पीड 40 था, तो हाउ मच डिस्टेंस रणवीर भी कवर, रणवीर कवर कर लेगा 40 किलोमीटर, डिस्टेंस बच जाएगा 160 किलोमीटर। रणवीर अब यहाँ पे आ चुका है और टाइम हो चुका है 7 बजे, और दीपिका भी 7 बजे यहाँ से स्टार्ट करती है, टाइम ऑफ स्टार्ट सेम हो चुका है, टाइम दोनों का सेम हो चुका है। नाउ वी कैन अप्लाई कि 160 किलोमीटर ट्रैवल करना है और उनका स्पीड 100 का है, दिस गिव यू 1.6 आवर, इसका मतलब होता है 1 घंटा 36 मिनट। 0.6 × 60, दैट मीन 7 o'clock के बाद 1 आवर 8 और 8:36 आंसर आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनका क्रॉसिंग इस बार 8:36 पे होने वाला है, राइट। आई होप दैट्स ओके। पिछले क्वेश्चन का ही था लेकिन टाइम हमने चेंज कर दिया था, तो क्वेश्चन करने का अप्रोच ये होगा, क्या रखना है। सो लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अ ट्रेन लीव्स वडोदरा स्टेशन एट 7 AM विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड फिर बोला हुआ है कि एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मुंबई, ऑल राइट। अनदर ट्रेन लीव्स वडोदरा एट 8 AM टूवर्ड्स मुंबई ऑन अ पैरेलल ट्रैक विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर बोला है फाइंड व्हेन विल द सेकेंड ट्रेन विल ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बड़ोदा, समझते हैं। तो दिया ऐसा है आपको कि एक ट्रेन है जो वडोदरा से निकलती है और जा रही है मुंबई की तरफ, और ट्रेन निकलती है सुबह कितने बजे, 7 बजे, 7 AM, और उसकी स्पीड दी हुई है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है 8 बजे, सो ट्रेन नंबर 2, जब ट्रेन नंबर 2 स्टार्ट कर रही है सेम लोकेशन से वडोदरा से टूवर्ड्स मुंबई, तो ट्रेन नंबर 2 स्टार्ट करती है 8 बजे, 8 AM, और उसका स्पीड दिया हुआ है हमें कितना, उसका स्पीड दिया 90 किलोमीटर पर आवर,
बोला बताइए सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कब करेगी। तो पहले इतना बताइए, 7 बजे स्टार्ट किया था एक ट्रेन ने और दूसरी ट्रेन स्टार्ट कर रही है 8 बजे, तो बताइए कितने घंटे का एडवांटेज है फर्स्ट ट्रेन के पास। फर्स्ट ट्रेन के पास एडवांटेज है 1 घंटे का और उसकी स्पीड 60 थी, सो 1 घंटे में वो ट्रेन 60 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। तो ट्रेन नंबर 1 60 किलोमीटर पे होगी और ट्रेन नंबर 2 अभी स्टार्ट कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं, और ये ट्रेन जा रही है 60 की स्पीड से। अब तो ये चोर पुलिस वाली कहानी होगी कि आगे वाला जो है वो 60 की स्पीड से जा रहा है और जो पीछे उसको चेस कर रहा है वो 90 की स्पीड से आ रहा है। टाइम टू कैच निकालना है, टाइम टू कैच निकालने के लिए डिस्टेंस होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। भाई डिस्टेंस 60 किलोमीटर का है और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 माइनस 60, दिस गिव यू 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 किलोमीटर पर आवर, जिससे आपको मिलेगा 2 आवर, 2 घंटे में कैच कर लेंगे। सो सेकेंड ट्रेन स्टार्ट करती है 8 बजे और वो 2 घंटे में कैच करती है, मतलब आंसर क्या होगा 10 AM, 10 बजे आप इस ट्रेन को क्रॉस कर चुके होंगे या कैच कर चुके होंगे, राइट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन सेज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वडोदरा, बड़ोदा और वडोदरा सेम, ठीक है, वडोदरा से कितना दूर जाके। तो भैया ये ट्रेन 90 किलोमीटर की स्पीड से आई थी और 2 घंटे तक ट्रेवल करी है, दैट मीन्स वो ट्रेन ने 180 किलोमीटर दूर जाके इसको ओवरटेक किया होगा। तो वो डिस्टेंस जो रहा होगा वो 180 किलोमीटर रहा होगा जब ट्रेन 1 ट्रेन 2 साथ में रही होगी, तो 180 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा, ऐसा बोल सकते हैं। सो टाइम ऑफ स्टार्ट हैज टू बी सेम, दोनों को सेम टाइम पे लेकर आओ और उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करो। कौन से फॉर्मूले से? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो ये तरीका होगा रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारे पॉसिबल है, इसे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीटिंग टाइम की, राइट।